इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम वीडियोस डाल रहे हैं और आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो ब्रोटोमोटिव नाम से आपको नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोगों ने प्राइज़ जीता है और टेलीग्राम पे आइए, आपको प्राइज़ मिलेगा। अगर कोई भी आपको टेलीग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पे बुलाता है और कोई भी प्राइज़ देने की बात करता है और आपसे कहता है कि हमें कुछ पैसे भेजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब स्कैम है और ये सिर्फ हमारे यूट्यूब अकाउंट के साथ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ किसी को भी कोई पैसे मत भेजिए। हे गाइस, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये हमारे पास आई है गरवारे सेल्फ हीलिंग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन के लिए। इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गाड़ी एक्चुअली है कैसी। पर इस वीडियो की खासियत ये है कि आज हम एक नहीं बल्कि दो महिंद्रा स्कॉर्पियो पे गरवारे पीपीएफ लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ एक रुपए में। पर आप लोग वेट करते रह गए और देखिए, मिस्टर सुमित कुमार जो कि गाजियाबाद से हैं, उन्हें आईफोन मिल गया। अब इससे बेटर डिस्काउंट क्या हो सकता है। पॉपुलर डिमांड पे ये मौका आपके पास फिर आया है और जानने के लिए कि आप ये कैसे जीत सकते हैं, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हमने अपनी वर्कशॉप में बहुत सारी पुरानी महिंद्रा स्कॉर्पियोज बनाई हैं। फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ये गाड़ी हमेशा बहुत अंडरवेलमिंग लगी है, चाहे मैं इसकी ड्राइवर सीट कंफर्ट की बात करूँ या फिर इसके स्टेयरिंग के एंगल की बात करूँ या फिर बॉडी रोल की बात करूँ। मुझे कभी भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी। और जब महिंद्रा न्यू स्कॉर्पियो लॉन्च कर रहा था तो मुझे लगा था कि ये गाड़ी इसी तरीके की होगी और मेरे कुछ बहुत ज़्यादा होप्स नहीं थे इस गाड़ी से। बट कूडोस टू महिंद्रा, इन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैंने XUV 700 भी चलाई और मैंने ये स्कॉर्पियो भी चलाई और मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट लगा है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे आज की डेट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद नहीं आती हैं, और अगर मुझे भी ये गाड़ी पसंद आ गई तो कुछ तो महिंद्रा ने भी बढ़िया किया है। ऐसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने से मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता है, गाड़ियों पर और R&D की जाती है, गाड़ियाँ और अच्छी बनाई जाती हैं। अब जो चीज़ें मुझे इस नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में अच्छी लगी वो यह है कि इसका ड्राइवर सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। स्टेयरिंग व्हील जो पहले बहुत हार्ड था घुमाने में, वो बहुत ही स्मूथ कर दिया है। डैशबोर्ड में जो ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है। XUV 700 में जो मुझे ड्रॉबैक्स दिखे टेक वाइज, जब जैसे इग्निशन दो तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे जो LCD डिस्प्ले स्पीडोमीटर ऑन होता है वो काफ़ी टाइम ले लेता है, उसमें काफ़ी लैग है। क्योंकि इसमें ये एनालॉग है तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसका जो सेंटर कंसोल का डिज़ाइन है वो भी मुझे XUV 700 से बेटर लगा। सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट इज़ एडिक्वेट, मतलब एकदम अमेजिंग नहीं है और एकदम खराब एक्सपीरियंस भी नहीं है। आई थिंक प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़्यादातर SUVs में और MUVs में मैं देखता हूँ कि जो गियर शिफ्टर होता है वो काफ़ी लंबा होता है और ट्रक जैसे आपको शिफ्ट करना पड़ता है, वो इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं था। मैंने नोटिस किया कि हैंडरेस्ट पे हाथ रख के, क्योंकि इतना शॉर्ट शिफ्टर है, मैं बड़े प्यार से शिफ्ट कर पा रहा था गियर, और गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी। मेरा ऐसा मानना है ये नई स्कॉर्पियो इनको कार लाइक ज्यादा बनाया है रेदर देन पीपल्स मूवर। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज मैंने इसकी अभी तक टेस्ट नहीं की है, बट आगे चल के मेरा वो भी प्लान है। मुझे गाड़ी क्योंकि अच्छी लगी, मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे, और मैं उसके बाद आपको एक प्रॉपर फीडबैक दूंगा। PPF एप्लीकेशन करते हुए मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कटिंग करना, क्योंकि अगर मेरा पीस
एक इंच से भी थोड़ा ऑफ होता है तो मेरे लिए वो पीस पूरा वेस्ट हो सकता है, और उतने से के लिए इतना बड़ा पीपीएफ वेस्ट जाना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो कटिंग करते हुए तो हम स्पेशली सबसे ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। यहाँ पे भी जो हमने बॉनेट कट किया है, हमें जितना रिक्वायर्ड है हमने उतना एक्स्ट्रा पीस रख के कटिंग करी है। अब ऑफकोर्स ऐसे में हमारे पास वेस्टेज भी बहुत निकलते हैं पीसेस, जितना हम जहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। और पीपीएफ लगाने से पहले हम सोपी सॉल्यूशन लगा के 2 से 3 बारी पैनल को वाइप करते हैं, ताकि हम चेक करें कि पैनल पे कहीं पे भी डस्ट ना आई हो, या पीपीएफ एप्लीकेशन करने के बाद नीचे डस्ट ना दिखे, रेशे ना दिखे, बाल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपीएफ के नीचे से दिख सकती हैं। तो अच्छी फिनिश लाने के लिए प्रॉपरली पैनल को चेकिंग करते हैं और उसके बाद ही पीपीएफ एप्लीकेशन चालू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप ये ब्रांड न्यू आईफोन 14 जीत सकते हैं। 6 नवंबर को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक से आपको डाउनलोड करना है माई 11 सर्कल ऐप और बनानी है अपनी टीम इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के लिए। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें और जीते एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के लिए ही वैलिड है। अगर पिछली बार मिस किया तो इस बार मत करना, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो द बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। अगर ये वीडियो आप इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के बाद देख रहे हो तो भी अपनी टीम बनाना मत भूलना माई 11 सर्कल में, क्या पता आप अगली बार जीत जाए। इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द लिंक इन द description and make a deposit to your My 11 Circle account, you will get extra 20% real cash in your My 11 Circle account. Download the app from the link in the description and aaj hi team banaye India versus Zimbabwe match ke liye on My 11 Circle. अगर मैं एक ही साथ पूरा जोर से हाथ मार दूंगा और वो फाइनल हो गया पीपीएफ, तो वापस जब निकालेंगे पीपीएफ तो गम छूटने के चांसेस हैं, पीपीएफ खराब होने के चांसेस हैं, स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस हैं। वाइट कलर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। हम अभी बहुत हल्के हाथ से एक बार स्क्वीजी कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर एरर दिखे तो हम उसे ऑन द स्पॉट रोक सकें। छोटा सा भी कुछ रेशा या डस्ट टैक एकदम उठ के दिखता है, एकदम प्यार से उठा। जा एक छोटा सा डस्ट आया था, तो ब्लैक सा डॉट दिख रहा था, तो क्योंकि हमने हल्का हाथ स्क्वीजी मारा था तो वी वर एबल टू कैच इट ऑन टाइम। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा स्ट्रांगली स्क्वीजी मार के इस पानी को निकालेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमने टेस्ट किया वो ओके है, पैनल साफ है, तो विल कंटिन्यू विद फाइनलाइजेशन। जोर से स्क्वीजी खींचना है ताकि जो भी पानी रह गया हो वो निकल जाए। यहाँ शरीर की स्ट्रेंथ पता चलती है। एक बार अच्छे से पीपीएफ चेक करना है हमको, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ठीक हुआ है। जहाँ पे हमने आईपीए यूज़ कर लिया है तो वहाँ से पीपीएफ को बार बार उठाना ठीक नहीं होता है। तो अगर पैनल पे कहीं एक आध सेंटर पे डस्ट आया तो वी माइट हैव टू लिव विद इट। हाँ, 2-4 डस्ट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा डस्ट हुआ तो हम पैनल को उठा के साफ़ करते हैं। तो अभी तो हमारे हिसाब से पैनल इज़ परफेक्टली फाइन, एकदम बढ़िया बैठा है पीपीएफ। बॉनेट हो गया है, बढ़िया से अप्लाई, एक भी डस्ट या कचरा नहीं आया है। इधर है बट ये पेंट के अंदर है, तो उसे सैंड करके भी निकाल सकते थे हम, बट एक आध डस्ट के लिए हम सैंडिंग नहीं करते, क्योंकि अलग से चमकेगा स्पॉट। और कई बार ऐसा भी होता है कि डस्ट काट दिया तो वहाँ से पेंट भी उड़ जाए, तो अलग सा वाइट सा दिखने लगता है। ओके, देख कटर, दे एक्सेस पीपीएफ कट करके हम इस बॉनेट के पीस को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब बॉनेट को ड्राई करने के लिए ऊपर उठाते हैं तो पानी दिख रहा है जाता हुआ, इस पानी को ड्राई होने में प्रॉपरली निकल जाने में 1-1.5 दिन चला जाएगा, उसके बाद ही फिर हम इस पीपीएफ को टक इन करके फाइनल करेंगे। फ्यू मोमेंट्स लेटर,
अब कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, हर प्रोडक्ट की अपनी शॉर्टकमिंग्स होती हैं और स्कॉर्पियो एन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी को और बेटर सोचनी चाहिए थी। इस गाड़ी के डिज़ाइन में थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स लगी मुझे, फ्रंट एंड मुझे काफ़ी एल्टुरस जैसा लगा और काफ़ी अच्छा है, बट जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखा वो इसके रियर एंड में, बहुत ही फ्लैट और बहुत ही सीधा साधा सा रियर सेक्शन इस गाड़ी का बना दिया। अब इसमें साइड ओपनिंग डोर दिया है जिसका मतलब ये है कि जब गाड़ी आपकी पार्क होगी तो उसके पीछे कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आपको वो डोर खोलने के लिए। अगर आपके पास वो डिस्टेंस नहीं है तो आप गाड़ी का डिक्की खोल नहीं पाएंगे। अगर वो साइड डोर दिया ही था तो जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट में रियर व्हील जो है वो पीछे की तरफ दिया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी दे देना चाहिए था। नीचे की काफी स्पेस बच जाती जिसकी वजह से जो बूट सेक्शन है वो काफी हाई लोडिंग कैपेसिटी पे है, काफी ऊपर है, वो नीचे चला जाता और पीछे डिक्की में स्टोरेज कैपेसिटी काफी बढ़ सकती थी। अब क्योंकि थर्ड रो सीट इस तरीके से दिए गए कि फ्लैट फोल्ड नहीं होते हैं, मतलब पूरा टॉपल डाउन होते हैं बट फोल्ड नहीं होते हैं, तो जो डिक्की के अंदर जो स्पेस है वो ऑलरेडी नीचे टायर होने की वजह से काफी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, प्लस उसके ऊपर सीट है तो डिक्की में काफी ज्यादा जगह बचती नहीं है। आई अंडरस्टैंड आज सबकी रिक्वायरमेंट वो एक्स्ट्रा सीट्स की है, लोग पसंद करते हैं अगर पीछे 2 सीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी फैमिली को कभी लेके जाना पड़े, बट देन हमें डिजाइन के हिसाब से ये भी सोचना पड़ेगा कि वो 2 सीट्स एक्चुअली यूजेबल कितनी है। थर्ड रो में इतना भी रूम नहीं है कि वहां पे प्रॉपरली बच्चे बैठ सके, ऐसा मेरा मानना है। PPF एप्लीकेशन में 2 सॉल्यूशन यूज होते हैं, एक होता है स्लिप सॉल्यूशन, एक होता है टैक्स सॉल्यूशन। तो स्लिप सॉल्यूशन होता है कि जब हम PPF अप्लाई करें तो PPF थोड़ा सा मूव करे ऊपर नीचे, एक जगह पे चिपक ना जाए, और कॉर्नर्स टक इन करने के लिए जहाँ पे हमें एकदम सिवियर एडहेशन चाहिए वहाँ पे टैक्स सॉल्यूशन यूज होता है। बिडिंग्स खोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बिडिंग्स खोलेंगे नहीं तो यही डस्ट जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर PPF के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। तो हम लोगों की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो भी गाड़ी हम फुल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन करते हैं उनमें ये नेसेसरी आइटम्स जैसे डोर हैंडल और ये चीज़ें सब रिमूव करके PPF लगाते हैं, ताकि एक तो सीमलेस फिनिश आए, PPF कहाँ बैठा है वो पता ना चले, और दूसरा इन सब चीज़ों से हमारे काम में प्रॉब्लम ना हो। पहले हाथ घुमा के कुछ कचरा तो नहीं है वो चेक करना है हमको। स्क्वीजी क्लीनिंग के प्रोसीजर से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी पे कहीं पे भी ऑयल मार्क्स रहे हों या ऑयल स्टेन्स रहे हों, जैसे किसी ने हाथ लगाया हो और वो निशान रह गया हो, वो भी कुछ ऐसी कंटामिनेशन रही तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर PPF लगा दिया तो वो स्टेन्स वैसे ही रह जाएंगे। अब हम क्योंकि हर गाड़ी को पहले डिटेलिंग करते हैं तो हमारा वैसे ही चांसेस ऑफ एरर बहुत रिड्यूस्ड रहते हैं, बट ये स्टेप्स इंश्योर करके हम अपना एप्लीकेशन और बेटर कर पाते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें आगे प्रॉब्लमेटिक हो हम होने से पहले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे हमने इतना लंबा सा पीस क्यों काटा है, इसका रीज़न ये है कि हमें इस पूरे पीस पे एक सिंगल पीस PPF चाहिए, कहीं पे भी कट नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी जॉइंट नहीं आना चाहिए, और ऐसे सीन में मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, फिनिश सीमलेस आती है, और देखने वाला कभी ज़िंदगी में बोल नहीं पाएगा इस गाड़ी पे PPF लगा हुआ है। और हमारा काम करने का एक्चुअल रीज़न वही है कि काम हो और पता भी ना चले, है ना, जैसा साजन बोलता है हमेशा। कैसे किया, थोड़ा स्ट्रेच करते करते हमको वो पीस बिठाना है। स्ट्रेच नहीं करेंगे तो, क्योंकि एक 2D शीट को एक 3D सरफेस पे बिठाया जा रहा है तो वो पूरा रिंकल हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट फाइनल करना है। चाहिए तो एक बारी में पूरा भी बिठा सकता है, बट फिर बात वही है कि एप्लीकेशन में एरर्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे करने से हम अपने काम पे सुपरविजन भी करते हुए आते हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो हम वहीं पे रुक सकते हैं, और मेरे ख्याल यही फर्क है एक एमेच्योर और एक एप्लीकेटर में।
इवन स्कॉर्पियो एन के शॉर्ट कमिंग्स के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, और रैदर देन स्पेंडिंग 45-50 लाख ऑन सम डिफरेंट SUVs, आई वुड रैदर स्पेंड 24-25 लाख रुपीज़ ऑन स्कॉर्पियो एन। सिर्फ मुझे पता नहीं अभी इसका वेटिंग पीरियड कैसा है, लास्ट मेरी हमारे क्लाइंट से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था उन्हें तो फटाफट मिल गई। आई होप आप लोगों ने भी अगर बुक किया है तो आपको भी जल्दी ये गाड़ी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी तरीके से हेल्प आ सकेगा, और अगर आप अपनी गाड़ी पे कोई भी पेंट जॉब या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म या सेरामिक कोटिंग कराना चाहते हैं तो ब्रोटोमोटिव इज ऑलवेज देयर फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू विन एन आईफोन 14। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंड अ चांस टू विन महिंद्रा थार and get 20% extra cash when you make your first deposit. Link is in the description below. Thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.